अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर वाहन चोर लुटेरे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक सिंह महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नई मंडी श्रीमती रूपाली राव एवं प्रभारी निरीक्षक नई मंडी श्री बबलू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 8/9/2024 की रात्रि को थाना नई मंडी पुलिस की सिसौना रोड रजवाहा पुलिस के पास खेत में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को घायल गिरफ्तार किया गया व तीसरे बदमाश को पुलिस द्वारा कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। घायल गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 2 तमंचे में 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस 315 बोर 1 वरना गाड़ी बिना नंबर प्लेट गाड़ी के लॉक खोलने के लिए उपकरण व मिनी लैपटॉप आदि बरामद किया गया है। अभियुक्तगढ़ की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नई मंडी पुलिस द्वारा अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 19/20 की रात में पिछले महीने की थाना क्षेत्र नई मंडी से एक बलिनो कार चोरी हुई थी। थाना मंडी पुलिस द्वारा और सर्विलांस टीम द्वारा इस पर लगातार काम किया जा रहा था। इसी बीच आज मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि ये गैंग जो है वो फिर से दोबारा घटना को अंजाम देने के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में आ सकता है। उसी के दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट किया गया था और सभी जगहों पे जो है वो नाकाबंदी करके चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास की जो सूचना थी उस सूचना के आधार पर लगभग ये क्लियर था कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से और वरना गाड़ी जो पिछली घटना में भी इस्तेमाल हुई थी उसी गाड़ी से ये घटनाएँ करते हैं और इससे इस गाड़ी से घटना को अंजाम देने के लिए ये गैंग पुनः जनपद मुजफ्फरनगर में आ सकता है। इसी सूचना के आधार पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा सभी जगह चेकिंग की जा रही थी। जब बागों वाली चौराहे पे इस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया तो इन बदमाशों द्वारा फायर करके जो सिसोना रोड है इसकी तरफ भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी पहले से थी, सेट पे अलर्ट किया गया और सिसोना की तरफ से जब पुलिस को सामने से आते हुए घिरा देखा तो ये जो कच्चा रास्ता है इस रास्ते पे इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ ली और खेतों के रास्ते उतर के जंगल की तरफ भागने का प्रयास किया गया। इसमें 3 अभियुक्त थे जिनको जिन्होंने फायर किया था, उनमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस के जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ गोली लगी है और इनको उपचार हेतु तुरंत अस्पताल भेजा गया। इनका जो अन्य साथी जो भाग गया था उसको कॉम्बिक के दौरान पकड़ा गया। उसने बताया कि ये गैंग जो है एक अंतर्राज्यीय गैंग है और ये लोग कार चोरी करने के स्पेशलिस्ट हैं। इनमें से जो एक अभियुक्त है निजाम, उस पर लगभग 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत है। उसमें मोस्टली सभी मुकदमे जो है वाहन चोरी के हैं, जो लग्जरी गाड़ियां होती है। इसके अलावा गैंगस्टर की भी कार्रवाई उस पर पूर्व में हुई है। इसके अलावा एक अभियुक्त दीपांशु है, उस पर लगभग 14 मुकदमे हैं और एक अभियुक्त अनुज है। ये अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं, सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन मोस्टली दिल्ली हरियाणा और यूपी में जो है वो घटनाओं को अलग अलग जगह अंजाम देते हैं। अभी वर्तमान में रिसेंटली इन्होंने बताया है कि पिछले विगत कुछ दिनों में इन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनपदों में घटनाएँ कारित की है, जिनमें से एक इन्होंने जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र से और एक जनपद हापुड़ में पिलखुआ थाना क्षेत्र से की है। इन्होंने बताया कि इनके 2 अन्य साथी जो हैं वो जनपद मेरठ में इन्होंने गाड़ियों को छिपा के रखा है, तो वहाँ के लिए भी पुलिस टीम को रवाना किया गया है और इसमें शीघ्र प्रयास करके बाकी अन्य बरामदगी भी की जाएगी। फिलहाल मौके पर जो है 2 तमंचे 315 बोर 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस विवेचना के दौरान सभी तथ्य प्रकाश में लाएगी और थाना नई मंडी पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से इसमें एक अच्छा गुटबक किया गया है। सर, सामान भी बरामद हुआ है गाड़ी चोरी करने इनके पास जो गाड़ी जो है ये वरना गाड़ी है, ये इसी गाड़ी से जो है वो मोस्टली घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें इनके पास जो कार चोरी करने के सारे उपकरण होते हैं उसमें एक एल की होती है जिससे सबसे पहले ये दरवाजे को खोलते हैं, वो सामान है। इसके अलावा पेचकस और अन्य उपकरण है जिससे ये लॉक फ्री करते हैं और एक हर कार का जो सॉफ्टवेयर होता है, इनके पास बलिनो कार का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर से ये गाड़ी को जो है वो लॉक फ्री करते हैं। ये सारे सामान भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं और पुलिस जो अन्य जगहों से जो जो भी हमारे यहाँ की जो गाड़ी है प्लस जो बाकी इन्होंने बताई है उनको इनकी निशानदेही पर बरामद करेगी। थैंक यू।